गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित चमड़ा एंड आई एम वर्किंग एज ए पीजीटी ज्योग्राफी इन सूरज स्कूल रिवर। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट। ये आपका जो इंडिया वाली बुक है जो 12th क्लास की, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उससे रिलेटेड ये लास्ट चैप्टर है आपका। अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस में ये आपका लास्ट चैप्टर है जिसके अंदर आप बात करोगे कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो एक प्रॉब्लम की तरह ज्योग्राफिकल इश्यूज़ को इंडिया के अंदर लिया जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहली जो बात है, मैं जनरली आपको अगर बताऊं कि ये जितने भी आपके पोल्यूशन है ना, जैसे एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, वाटर पोल्यूशन है, इन सब चीज़ों की ये जितने भी पोल्यूशन है इनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर है आपका पहला जो है वो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन। क्या होता है पोल्यूशन? देखिए, पोल्यूशन के लिए पोल्यूटेंट का होना ज़रूरी है, और जब तक पोल्यूटेंट किसी के अंदर नहीं मिलेंगे तब तक वो चीज़ क्या रहेगी? बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल प्योरिटी के फॉर्म में रहेगी। जैसे ही उसके अंदर पोल्यूटेंट ऐड होंगे उसका क्या हो जाएगा? पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और पोल्यूशन को ही आप ये कह सकते हो कि जो पोल्यूशन अगर लगातार बहुत लंबे समय तक होता रहे, ठीक है, तो फिर वही पोल्यूशन आपका डिग्रेडेशन कराता है, क्योंकि लगातार कंटिन्यू पोल्यूशन होने की वजह से आपकी किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे लैंड की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे एयर की हो, उसकी क्वालिटी का जो लेवल है वो नीचा हो जाता है। और जब किसी चीज़ की क्वालिटी का लेवल नीचे होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। देखिए, आप बीमार हो सकते हो, ठीक है, वो क्या है? पोल्यूशन। आप बीमार हो गए, आप वो पोल्यूशन है। लेकिन आप लगातार बीमार हो रहे हो तो इसका मतलब उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देगा, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर दिखाई देगा, अदर एस्पेक्ट जो है बॉडी के उनके ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या है? डिग्रेडेशन है, कि बॉडी ही बिल्कुल क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इसके अंदर पहला है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर सिस्टम टू सच एन एक्सटेंट दैट नॉर्मल एनवायरमेंट प्रोसेस आर एडवर्सली अफेक्ट, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, आपकी फ्लोरा एंड फौना जो है दोनों वो यहीं पे होती हैं, उनके आपस में एक इंटररिलेशनशिप होती है, आपस में एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और ये आपस का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, इसकी नॉर्मल जो फिनोमिना है, नॉर्मल जो कंडीशन चल रही हैं, नॉर्मल जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हैं तो वो आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन। और एनवायरनमेंट पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। और एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो होता है वो रिजल्ट है किस चीज़ का? वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए करते हो, चाहे आपका वेस्ट की बात करें हम, ठीक है, कि किसी वेस्ट को हम कहाँ पे डालते हैं, क्या क्या हमने उसको डिकम्पोज किया है या नहीं किया है, या हमारी वजह से वो कितना ज़्यादा इंक्लूड रहा है, कितना उसका इम्पेक्ट रहा है। कोई चीज़ गंदी है हमने खुले में डाल दी है, जाहिर सी बात है कि उसमें मक्खियाँ बैठेंगी, वही मक्खियाँ उड़ के आपके घर में भी आएंगी, आपकी जो खाने की चीज़ें हैं उन पर भी बैठेंगी, और कहीं और पर भी जाके वो उसको क्या करेंगी, यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप किसी चीज़ को कितना यूज़ तरीके से और अच्छे से कर पाते हो। अगर आपने उसको वेल डिकम्पोज किया है, वेल उसको क्लेरिफाई कर दिया है, तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। ये सारे वो कंटेंट हैं जो इसके अंदर आपके पास आएंगे, या ये कहूँगा कि जो पोल्यूशन क्लासिफाइड किया गया है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे इसके अंदर। उसके अंदर पहली जो है वो है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सारी आप उन चीज़ों की बात करोगे जो वाटर पोल्यूशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, या वाटर पोल्यूशन जिनसे हो रहा है, ठीक है। पहला क्या है? वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब कि आपका जो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को जितना भी आप नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज की बात ये जरूर कर रहा है। यहाँ पे आपने ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज की बात की जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या है? कोई भी पानी कहीं पे है, आपने अगर उसके अंदर गंदगी डाल दी तो वो आपकी वजह से वो पानी ख़राब हो रहा है। वो पानी अपने आप ख़राब नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी वजह से वो ख़राब हो रहा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। सेकंड वन है द मेन रीज़न बिहाइंड वाटर पोल्यूशन आर इंडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ वाटर बाई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन।
ठीक है, देखिए वाटर पोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ वाटर के अंदर कुछ मिला दिया है वही आपका वाटर पोल्यूशन है, बल्कि उसका मिसयूज़ करना, ठीक है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज करना भी आपका वाटर पोल्यूशन कहलाता है। आपको वाटर है एक लीटर की ज़रूरत, आप दो लीटर यूज़ कर रहे हो, आप जो कमर्शियल पर्पज से या किसी भी पर्पज से वाटर को बिल्कुल पागल होकर यूज़ कर रहे हो, ये एक इस तरह की एक्टिविटीज हैं आपकी जो शो करते हैं, ठीक है, कि आपने वाटर का बहुत ज़्यादा क्या किया है, पोल्यूशन किया है। उसके बाद है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स लाइक, अच्छा इसके अंदर भी आपको वाटर बाय द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, पहले बात तो क्या कि पहले कम लोग थे, कम पानी की ज़रूरत होती थी तो वेस्ट भी कम होता था, अब लोग ज़्यादा हो गए हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है, तो इस एक्टिविटीज़ की वजह से आपका वाटर पोल्यूशन जो है वो लगातार होता जा रहा है। उसके बाद है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स लाइक इरोजन, लैंडस्लाइड्स, डीके एंड डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एट्सेट्रा एंड ह्यूमन रिसोर्स आर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये सारे वाटर पोल्यूशन के सोर्स हैं, कौन कौन से, नेचुरल सोर्स के अंदर लाइक इरोजन है, मिट्टी कट रही है, पानी कहीं से फ्लो कर रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी के अंदर जो भी मटेरियल है वो उस पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का डीकम्पोजिशन हो रहा है वो वाटर के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स हैं मिट्टी में हैं वही डीकम्पोज हो रहे हैं, पानी आया है उसके अंदर मिल गए हैं, ये है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। देखिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चावल जो बनाया जाता है, जिसके अंदर धान को साफ किया जाता है, उस इंडस्ट्री के अंदर लाखों टन पानी जो है वो डेली यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, सॉरी एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर के अंदर आप कैसे कर रहे हो, आप इरिगेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हो, आपको ज़रूरत नहीं है उतने पानी की, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ अगर, तो आप देखो तो सरसों की जो फसल होती है, मस्टर्ड जो है आपका, वो एक पानी से भी पकाया जा सकता है, बट हम क्या करते हैं, दो पानी दे देते हैं, तीन पानी दे देते हैं, ये सारे का सारा मिस यूज है वाटर। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे गेहूँ के अंदर हम सात सात आठ आठ पानी दे देते हैं, ये मिस यूज है। दूसरा एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो आप यूरिया यूज़ करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करते हो, ये सारे मिट्टी के अंदर जाते हैं थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ये पानी के इंटीरियर के अंदर, यानी अर्थ के इंटीरियर के अंदर मैं अगर कहूँ तो जो ग्राउंड वाटर होता है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं, और जब उस ग्राउंड वाटर को आप यूज़ करते हो तो वहाँ से ये आपकी बॉडी के अंदर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप लॉस तो कर ही रहे हो। कल्चरल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदू धर्म के अंदर ये आप ज़्यादा देखते हो, वाराणसी की बात करो, गंगा कोस्ट की बात करो, या किसी भी ऐसी जगह की बात करो जहाँ पे हम अपनी कल्चरल, जो हमारा कल्चर है उसको शो करते हैं, जैसे जो हमारी मरने वाले की किसी की भी अस्थियाँ जो हैं उसको हम पानी के अंदर बहा देते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोकल के अंदर जो नहर वगैरह चलती हैं उसके अंदर हम घर पे जो धूपबत्ती वगैरह करते हैं उसका जो ऐश है उसको इकट्ठा करके हम वहाँ पे डालते हैं, हवन की जो राख होती है उसको भी हम बहते हुए पानी के अंदर डालते हैं। ये तो ये डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जो आपके वाटर का पॉल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं वो देखो आप, हालांकि मैंने जनरली आपको बता दिया है लेकिन फिर भी, इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस सेवरल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूटेड वेस्ट, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनियस गैसेस, केमिकल रेजिस्टेंस, न्यूमेरियस हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक एट्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर और लेक्स। मेजर वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज आर लेदर पंप एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल। ये आपकी कुछ ऐसी हैं जो मेजर वाटर पोल्यूटेड इंडस्ट्री है, यानी इनके अंदर सबसे ज़्यादा आपका वाटर का पोल्यूशन होता है, जिसके अंदर आपका क्या है, जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, लेदर इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर की अगर आप बात करोगे, एग्रीकल्चर किस तरह से इफेक्ट करता है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर आप देखोगे कि केमिकल यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सच एज इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आर ऑल्सो पोल्यूटेड जनरेटिंग कंपोनेंट्स। दीज केमिकल आर वॉश्ड डाउन टू रिवर, लेक्स एंड टैंक्स, ठीक है। ये वही बताया था मैंने कि चीज़ों को वहाँ पे धोया जाता है या फिल्टर होकर ये ग्राउंड वाटर में पहुँचते हैं, वो इनडायरेक्टली फिर आपके पास आकर एक साइकिल के थ्रू आप तक पहुँच जाता है और वो आपके लिए क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है।
उसके बाद है कल्चरल एक्टिविटीज सच एज पिलग्रिम्स रिलीजियस फेयर्स टूरिज्म एटसेट्रा ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन. ये वाटर पोल्यूशन के रीज़न है. ठीक है, तो ये है आपके वाटर पोल्यूशन के अंदर. अगर अगला है, अब इसके बाद इसके इफेक्ट और करते हैं बेटा. ठीक है, हम बात करते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन आपका हो रहा है उसके इफेक्ट क्या होंगे आपके ऊपर. ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से. दो मेजर कॉज दे रखे हैं या दो मेजर इफेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे. पहला है वाटर पोल्यूशन इज अ सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बोर्न डिजीज. दिस डिजीज कॉमनली कॉज ड्यू टू द कॉन्टेमिनेटेड वाटर आर डिसऑराइ इनर्शियल वॉर्म्स हेपेटाइटिस एटसेट्रा. ये कुछ बीमारीज या ये मैं कहूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी. ठीक है, कुछ बीमारियाँ हैं जिनका नाम क्लियर बताया गया है. वॉर्म्स है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारी जो सिर्फ पानी से ही होती हैं या पानी की गंदगी से ही होते हैं. और अगर ये पानी की गंदगी से होती हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है. ठीक है ना. उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शो दैट अबाउट 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया आर वाटर बोर्न. ठीक है, आप देखिए एक आइडिया लगाइए कि इंडिया के अंदर जो आपकी 1/4 है यानी 25% ऐसी डिजीज हैं जिनका बेसिक रीज़न ही वाटर पोल्यूशन. मतलब अगर वाटर पोल्यूशन नहीं होता तो ये बीमारियाँ इंडिया के अंदर नहीं होती. ओके गाइज, तो आज की वीडियो सिर्फ इस एक टॉपिक के साथ हम खत्म करते हैं बेटा, वाटर पोल्यूशन के साथ. अगली वीडियो के अंदर हम वाटर एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, उसके कॉजेज की बात करेंगे, उसके इफेक्ट की बात करेंगे, किस तरह से आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ की बात करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू.